तो गाइज ये तो आपको मालूम है कि इंडिया में Redmi Note 10 सीरीज बहुत ही पॉपुलर है। Redmi ना हर साल अपना दो नंबर सीरीज को लॉन्च कर देता था, लेकिन पेंडेमिक के कारण बस एक ही Redmi Note 10 सीरीज आया। लेकिन बहुत ही जल्दी आपको बस एक दो महीने में Redmi Note 11 सीरीज आने वाला है। काम स्टार्ट हो चुका है, ऑफिशियल इसका टीजिंग सामने आ चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी फोन के बारे में। मुकुल शर्मा ने इसका कुछ ऑफिशियल डिटेल शेयर किया है और क्या इस फोन में होने वाला है, कैसा फोन दिखने वाला है और थोड़ा मोड़ा प्राइस का भी हिंट आ चुका है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड Redmi Note 11 सीरीज में, मैं बोलूंगा भाई अभी Redmi Note 10 सीरीज लेने का कोई फायदा नहीं है, सब फोन 4G है। Redmi Note 11 सीरीज में सब फोन 5G आएगा, मतलब फ्यूचर प्रूफ। तो वीडियो मजा आए तो वीडियो को एक लाइक करना। आज की इस वीडियो का लाइक करते हैं 200 लाइक का, ठोक दो यार और क्या। तो गाइज जैसा कि आपको मालूम होगा Redmi अपने नोट सीरीज को ना सबसे पहले चाइना में लॉन्च करता है, फिर ग्लोबली उसके बाद इंडिया में देखने मिलता है। कुछ उसी तरह चाइना से बड़े बड़े लीकर्स, बड़े बड़े टेस्टर्स ने इसका ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन को टीज करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब इसका बहुत ही हद तक स्पेसिफिकेशन टीज हो चुका है और इसका कन्फर्मेशन मुकुल शर्मा स्टफ लिस्टिंग ने भी कर दिया। बात करते हैं दोनों फोन के बारे में, मतलब टोटल दो फोन का इन्फॉर्मेशन अभी सामने आया है, Redmi Note 11 और Redmi Note 11 Pro। प्रो मैक्स के बारे में बाद में इन्फॉर्मेशन आएगा, लेकिन इन दोनों फोन का बारे में पता चल गया तो प्रो और प्रो मैक्स में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा कैमरा में डिफरेंस निकल के आता है। बात करते हैं सबसे पहले Redmi Note 11 के बारे में, प्रिसाइजली बोलो 11 5G के बारे में। आपको मालूम होगा Redmi Note 10 जब लॉन्च हुआ था इंडिया में तो वो AMOLED के साथ में 60Hz का रिफ्रेश रेट लेके आता था, लेकिन इस बार जो 11 में आपको देखने मिलेगा वो आपको LCD डिस्प्ले होने वाला है, मतलब IPS डिस्प्ले के साथ में आने वाला है, लेकिन 120Hz का रिफ्रेश रेट इसमें इंक्लूड किया गया। आपको क्या पसंद है, IPS के साथ में 120Hz या AMOLED के साथ में 60Hz, वो कमेंट करके बताना। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं डिजाइन के बारे में तो डिजाइन का तो इतना इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन इसका ना एक पिक्चर लीक हुआ था तो कुछ इस तरह का आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। ट्रिपल कैमरा और क्वाड कैमरा के साथ में ये फोन आने वाला है। कैमरा सेटअप देखने में तो बहुत ही यूनिक लग रहा हैवी लग रहा है, फोन को बहुत ही प्रीमियम बना रहा है। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में, सेल्फी कैमरा आपको 16MP का होगा जो आपको पंच होल के साथ में आने वाला है। बात करें बैक कैमरा के बारे में तो ट्रिपल या क्वाड के साथ में आपको ये देखने को मिल सकता है। Redmi Note 11 5G में आपको मिलने वाला है 50MP का प्राइमरी लेंस। जी हाँ, 50MP का सेंसर होगा। जहां तक मेरे को लगता है ये आपको 50MP का सोनी का तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा Redmi Note 11 के अंदर। Redmi Note 11 में आपको देखने मिलने वाला है सैमसंग का 50MP का GN5 वाला सेंसर। जी हाँ, सैमसंग का आपको सेंसर 50MP का देखने को मिल जाएगा जो आपको ट्रिपल या क्वाड के साथ में आ सकता है। बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में, जो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है 5000mAh का आपको मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगा। तो अच्छी खासी बड़ी बैटरी है, साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, मतलब झटाक से और फटाक से आप चार्ज कर पाओगे अपनी बड़ी बैटरी को। जहां तक अगर हम बात करें रैम और स्टोरेज टाइप के ऊपर तो इसमें आपको LPDDR4X वाला रैम होने वाला है, लेकिन इसमें आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप होगा जो क्रेजी बात है। मल्टीपल 5G बैंड्स देखने मिलने वाला है जो कंफर्म हो चुका है। हाँ, 5G बैंड्स मतलब 5G प्रोसेसर होगा। जी हाँ, इसमें आपको देखने को मिलने वाला है डायमेंसिटी का 810 का प्रोसेसर। मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 पावरफुल तो है ही, जो अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है, और ऊपर से 5G है तो फ्यूचर प्रूफ है, मल्टीपल 5G बैंड्स के साथ में आएगा तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो गाइस अगर आप प्लान कर रहे हो Redmi Note 10 अभी लेने का ना, तो मैं बोलूंगा भाई वेट कर लो, अभी वर्थ इट नहीं है। अगर आपने ले लिया तो कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर अभी आप प्लान कर रहे हो लेने का Redmi Note 10 10 Pro या Pro Max ना, तो भाई मैं बोलूंगा मत लो। 11 सीरीज फार बेटर होगा, फ्यूचर प्रूफ होगा, ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं Redmi Note 11 Pro के बारे में, Pro का भी इन्फॉर्मेशन आया है। तो देखो इसमें आपको IPS डिस्प्ले नहीं होने वाला, इसमें एक OLED डिस्प्ले होगा जो आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाला है। डिस्प्ले इसमें बहुत ही कमाल का है, OLED है तो भाई पिक्सल्स बहुत ही कमाल के आपको देखने को मिलेंगे, कलर कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले में बहुत ही क्रिस्प आएगा। लेकिन वेट, बात करें अब कैमरा के बारे में, कैमरा इसमें भी आपको 16MP का देखने को मिलेगा, लेकिन रियर हेड में जो कैमरा होने वाला है वो आपको 108MP के सेंसर के साथ में आएगा। ये भी आपको सैमसंग का सेंसर है, लेकिन 108MP का मतलब बड़े रेजोल्यूशन में पिक्चर क्लिक करेगा, ज्यादा डिटेल्स इसमें आपको देखने मिलेगा, और ये सैमसंग के नए सेंसर के साथ में आने वाला है 108MP का, जो कमाल का पिक्चर्स क्लिक कर सकता है। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ट्रिपल या क्वाड होगा, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल सकता है 108MP के साथ में। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है बैटरी में, इसमें भी आपको 5000mAh का मैसिव बैटरी तो मिलेगा ही, साथ में इसमें आपको 67W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब ये आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज कर देगा आपके फ़ोन को। Redmi ना अपना वो पुराना ओल्ड स्टाइल 33W पे चलता था हमेशा, लेकिन फाइनली अब नोट सीरीज में भी आपको ज़्यादा बैटरी चार्जिंग स्पीड मिल रहा है, मतलब 67W
33 से तो बहुत ही मैसिव कदम है जो अच्छी बात है। आपको पता होगा रियलमी ना अपने हर फोन में 65 वॉट का चार्जिंग देता है जो 15,000 से ऊपर आता है। अब रियलमी जैसे ही रेडमी करने वाला है 67 वॉट का चार्जिंग 5000mAh बैटरी साथ में जो कमाल का चार्ज कर देगा। हाँ तो अब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में जो मैसिव इंप्रूवमेंट के साथ में आने वाला है। इसमें आपको मीडियाटेक का एक नया डायमेंसिटी का 920 का प्रोसेसर होने वाला है जो आपको 6nm पे काम करता है और प्रीवियस रेडमी नोट 11 प्रो से ना 30 टाइम्स ज्यादा परफॉर्मेंस में बेटर होने वाला है जो कमाल की बात है। पिछली बार आपको स्नैपड्रैगन का 732G मिला था जो बहुत ही पुराना प्रोसेसर था, लेकिन अब आपको देखने मिलने वाला है डायमेंसिटी का 920 का प्रोसेसर जो पावरफुल तो है ही और फ्यूचर प्रूफ भी है। इसमें भी आपको मल्टीपल 5G बैंड्स होंगे जो कोई भी दिक्कत नहीं करेगा फ्यूचर में 5G को रन करने में। कुछ इस तरह का दोनों फोन आने वाला है, दोनों फोन बहुत ही पावरफुल होंगे और मैं बोलूंगा भाई वेट कर लो, बहुत ही जल्द आने वाला है। रेडमी नोट 11 सीरीज ना आपको बगल में ही आप बोल सकते हो एक दो मंथ में आपको इंडिया में भी लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग में। हाँ प्राइसिंग की बात उठी गई है तो चलो अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में क्योंकि प्राइस मैटर्स अ लॉट। Redmi Note 11 5G का प्राइसिंग सामने आ चुका है। बात करें अगर बेस वेरिएंट जो 6GB का होगा वो 1199 yuan में लॉन्च होगा और अगर इसे कन्वर्ट करते हैं इंडियन प्राइसिंग में 13,500 या 14,000 होता है जो इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन के लिए बहुत ही कमाल का है। बात करते हैं Redmi Note 11 Pro के प्राइसिंग के बारे में। इसका बेस वेरिएंट आपको 1599 yuan में लॉन्च होगा और इसे अगर कन्वर्ट करो इंडियन प्राइसिंग में तो 18,000-18,500 रुपए में होता है। तो देखते हैं क्या होता है, कितने प्राइसिंग में आता है, ये सब तो एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन और एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है। ऑफिशियली जैसे कंफर्म होता है ये स्पेसिफिकेशन मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो क्या विचार है आपका इन दोनों फोन से रिलेटेड वो जरूर कमेंट करना। लेकिन फोन बहुत जल्दी इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, सबसे पहले चाइना जाएगा ग्लोबली और फिर इंडिया में आ जाएगा। हार्डली से हार्डली 2 महीने में आपको Redmi Note 11 सीरीज का ऑफिशियली देखने को झलक मिल ही जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरा कमेंट करके बताना। अगर वीडियो में मजा आया हो इस वीडियो को आप एक लाइक कर सकते हो, कोई भी सवाल से जब हो तो कमेंट करो यार या इंस्टाग्राम में आओ गप्पे लड़ाते हैं। तो ऐसे कमाल के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी बटन को टन से बजाना ताकि ऐसे कमाल के वीडियो आपका भाई रोजाना लाते हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, फिलहाल के वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं, मिलते करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाई।